यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो 5 मिनट तक इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आपने स्टेट का ऑनलाइन एग्जाम दिया है ना? यस हाँ जी, आप शिखर जी, आपने एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट बन रहा, तो आपका लिस्ट आया हुआ है, आपका फादर्स ने मदर्स ने दे हुआ, यस डेट ऑफ बर्थ हो गया 12 फरवरी, सोशल साइंस सब्जेक्ट था, जहानाबाद से बिलोंग करते हैं ना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया ST80, तो आपका चंद्रशेखर जी, आपका जो कि रिजल्ट बनने के लिए लिस्ट आया हुआ था, तो यहाँ देख रहे हैं आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसमें हम नॉट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्या इसमें फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होकर क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग करना चाहते हैं? अच्छा ठीक, हाँ जी चाहते हैं, तो अभी आपको यहाँ विभाग से बढ़ करके फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई कर दिया जाएगा, बट इसमें कुछ खर्च आएगा, खर्च कर सकते हैं बोलिए। 80,000 खर्च आएगा, जिसमें से 30,000 आज पेमेंट करना है और 50 आपका सिलेक्शन क्वालिफाई मैसेज जाने के बाद 30 पेमेंट कीजिएगा, आपको विभाग से बढ़ करके फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई किया जाएगा और क्वालिफाई होने के आधे घंटे के अंदर आपके पास विभाग से सिलेक्शन क्वालिफाई मैसेज जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो बताइए आपका फाइल प्रोसेस में है और इवनिंग में आज आपका क्लियर होना है, तो बताइए इसमें क्या करना चाहते हैं? 80,000 दीजिए और नौकरी पाइए, इतनी सस्ती नौकरी कहाँ मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने 15 सितंबर को एक एग्ज़ाम दिया था बिहार TET का, और 2 फरवरी 2021 को उनके पास एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आप 80,000 रुपया देंगे तो आपको मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। पहले आपको 30,000 रुपया देना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जब बन जाएगा तो आपको 50,000 रुपया देना होगा। आपके पास ये कॉल आ सकता है या बहुत सारे लोगों के पास ये कॉल आया भी होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जो फ्रॉड कॉल कर रहा है उसके पास सारा डाटा है, सभी डिटेल्स है, और नाम, पता, पिता का नाम, जीमेल आईडी, हर चीज़ वो करेक्ट बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह विभाग से ही बात कर रहा है और उसके झांसे में बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे कॉल पे आप सावधान रहिए, अपना पैसा बचाइए, और कोई भी लालच दे रहा है तो उस लालच में आप नहीं फंसिए। यदि इसका आप रिकॉर्ड सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ वीडियो के यार ये लास्ट काम में। हो रहा है, हम कोई आपका बाहर से एजेंट नहीं कि 2 से 3 लाख रुपया ले रहे हैं, कुछ पहले कुछ बाद में, आपका 80,000 जो खर्च आता है वो आपको लगेगा, जिसमें से 30 आज करना, 30 कीजिएगा, यहाँ से विभाग से आपको क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई मैसेज जाएगा आपके पास स्टेट टीचर एटी टेस्ट पटना से, अगर नहीं कीजिएगा बाबू तो आपका जैसा अवसर रहने दिया जाएगा। पेमेंट जो करना होगा मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, उस पर आपको करना होगा। तो ये आप तो बढ़िया से जानते नहीं हैं, फिर कुछ हुआ सही होता बात तो। है, सही बात है, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे सिस्टम पे हम बैठे हैं, आपका डिपार्टमेंट में आया हुआ है लिस्ट, तो आपको हम सारी चीज वेरीफाई किए हैं। दूसरा बात है कि आप पेमेंट कीजिएगा तो मैं अपना अकाउंट नंबर पेमेंट है, अपना सैलरी अकाउंट नंबर पेमेंट ले रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपका पेमेंट आएगा, यहाँ वर्क होगा, वर्क होने के बाद हमें 20 से 30 मिनट का समय चाहिए, आपको 20 से 30 मिनट में आपके पास विभाग से सिलेक्शन क्वालिफाई नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा, जो नोटिफिकेशन जाएगा स्टेट टीचर एलिटी टेस्ट पटना से, देखिएगा तो आप खुद बोलिएगा हाँ सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, वर्क हुआ है। आपको अगर हम अकाउंट नंबर पे पेमेंट ले रहे हैं तो सीधी सी बात है कि सारी चीज उसमें है, तभी अपना अकाउंट नंबर पेमेंट ले रहे हैं। दूसरी बात है आपका यहाँ जब सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हो गया तो इसमें कंफर्म है ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग तक हम साथ में, और आपका यहाँ जो सिलेक्शन होगा 20-21 फरवरी तक हम लोग का कैंपस सिलेक्शन ड्यूटी है, आप 22 फरवरी को आइए हमसे मिलेंगे और आगे की ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ हैं। हम पैसा आपको दे रहे हैं तो आपसे भी हमको थोड़ा बिलीव होना चाहिए ना। सही बात है, आपके पास अकाउंट नंबर होगा नहीं, आपका अकाउंट नंबर है ना, तो आपको पता है कि अकाउंट नंबर बिना आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ इसे खुलता नहीं, तो अकाउंट नंबर दिए तो सारी प्रूफ आपके पास चलेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और अब 21 फरवरी के बाद आइए, आपसे हम यहाँ पे मिलेंगे ताकि आगे का जो प्रोसेसिंग है सब आपका क्लियर हो जाएगा, जाने तक आपके साथ है। मेरे जगह पर तो आप कैसे बिलीव करते हैं, आप बोलिए। बिलीव के आप, अच्छा बिलीव की बात क्या है, आपको हम सारी डिटेल वेरीफाई की, आपका A to Z कोई गलत है, आपका आपका जो कि आधार नंबर हो गया 7711
और सिक्स आपका ईमेल आईडी हो गया सर @gmail.com, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, सब कुछ बता दिए तो सिस्टम पे था ना आपका सारी सीधे लिखाई की है। आपके हम रिश्तेदार या गांव वाले तो है नहीं कि आपके घर से आपका फाइल ले आए हैं। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने अकाउंट नंबर पर पेमेंट ले रहा हूँ और आपका पेमेंट आएगा यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो जो पेमेंट लेते हैं अपने लिए नहीं लेते हैं, वो सब सीनियर अधिकारी पदाधिकारी को जो वर्क आपका लिस्ट में फाइनल होगा वो लोग को देना होता है, वहाँ पैसा देंगे आपका वर्क होगा और 20 मिनट के बाद और 30 मिनट के अंदर आपके पास डिपार्टमेंट से सिलेक्शन क्वालिफाई मैसेज जाएगा। देखिएगा तो खुद बोलेगा यहाँ सब मेरा काम हुआ है, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पैसा अभी प्रेजेंट में हम नहीं दे सकते हैं। देखिए ये बात बोले तो समझ में आएगा, चले 30 भी नहीं हो पाएगा सर, इसमें कुछ कम होगा, हम वो मैनेज कर सकते हैं। हम सीनियर सर से बात करके हम बताएंगे सर अभी इतना नहीं हो पाएगा करेंट में, आज इतना देंगे, इनका सिलेक्शन कर दीजिए, इनके पास क्वालिफाई मैसेज चला जाएगा, फिर एक दो दिन में कर देंगे। तो आज कितना कर पाएगा तब तो ना सर से बात करेंगे, आज कितना कर पाएगा वो बताइए तो हम सर से बात करेंगे जैसा होगा। अच्छा आप जहाँ समझते हैं एक स्टूडेंट है तो एक भाई आप कहाँ कहाँ से लाना, पाँच में नहीं हो पाएगा इसके लिए सॉरी। तो फिर आप बाद में फिर कॉल करिए, फिर शाम हम ला नहीं तो फिर हम ले के बताएंगे आपको। देखिए सर आपका जो कि फाइल है 2 बजे के बाद क्लियर होना है, ठीक है, इवनिंग में आपका फाइल, आपका फाइल जो 2 बजे के बाद क्लियर होना है। तो आप जैसा मैनेज करके आपका कितना कर पाते, 5000 में बाबू नहीं हो पाएगा, मिनिमम आपको 12-13 हजार रुपये देना होगा, क्योंकि वो सब जो एडिटिंग वाले सर स्कैनिंग वाले सर उन लोग को हर हाल में देना ही होता है। बाकी हम सीनियर को मैनेज कर लेंगे कि चलिए सर इनका वर्क करवा दीजिए आप, बाकी क्वालिफाई मैसेज आने बाद दे देंगे, तो कम से कम मिनिमम आपको 12-13 हजार करना होगा जो हम क्लियर बता दे रहे हैं, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करिए फिर पैसा के लिए हम बात करते हैं, लेते हैं फ्रेंड वेंड से, उसके बाद आप भेजिएगा। ठीक है आप पैसे मैनेज करके हमें कॉल कर लीजिए, कितना देर में कॉल कर सकते हैं सर को हम बोल देते हैं कि 12-13 हजार करेंगे सर, इनका क्वालिफाई मैसेज चला जाएगा, लेकिन मैसेज आने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में पेमेंट बाकी का बचा हुआ हो जाए। मैसेज आने के बाद नहीं तो ऐसा करिए ना, हम उसी टाइम में हम उसी दिन दे देते हैं तो क्या है अभी मतलब नहीं होता ना आपका वर्क, बस क्या समझे, सबसे बड़ी बात जब आगे हम पैसा फॉरवर्ड नहीं करेंगे एडिटिंग डिपार्टमेंट में तो आपका फाइल का वर्क ही नहीं होगा तो कैसे क्वालिफाई कर पाइएगा। मेरे हाथ में नहीं, मैं अकेला एक वर्क नहीं करता हूँ, मेरे घर का चीज नहीं ना कि सबका, सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग टेबल होता है, तो जिसका जो हाथ में काम रहता है तो उन लोग का हाथ में जो मेन काम है उन लोग खर्च लेते हैं पहले। कौन ऑफिस से बोल रहे हैं? पटना से। अच्छा तो ठीक है फिर हम फोन करते हैं आपको। कितना देर तक कॉल कीजिएगा, 1 घंटे में? हाँ 1 घंटे में कॉल करते हैं। चलिए ठीक है 1 घंटे में जो मैनेज होता है कोशिश कीजिए 12-13 करके आप कॉल कीजिए, ठीक है? चलिए। जहानाबाद के SP को सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेल कर दिया गया है, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया है और इस पे जल्द ही एक्शन लेने की बात कही है उन्होंने। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको फ्रॉड से बचाना है, आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।